सुल्तान रणभूमि न्यूज़ में आपका स्वागत कर रहा हूँ। जैसा कि आपको पता है कि 5 अगस्त को गृह निर्माण मंत्री डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड का जन्मदिन है। इसी अवसर पर यहाँ पे एनसीवी की तरफ से 4 और 5 तारीख को अलग अलग प्रोग्राम का आयोजन किया गया। वहीं आज यहाँ पे फरजाना शाकिर शेख जो यहाँ की नगर सेविका है उसके कार्यालय पर यहाँ पे मेडिकल चेकअप कैंप का आयोजन किया गया। इस चेकअप में यहाँ पे डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, आँखों का चेकअप, दांतों का जो भी बीमारी है उसके अलावा यहाँ पे जनरल चेकअप भी किया गया है। इस बारे में यहाँ के आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से अलग अलग तरीक़ों से मुमरा में 2 दिनों से जो मेडिकल चेकअप का आयोजन किया जा रहा, काफ़ी भारी तादाद में यहाँ पे महिलाएं और लोग मौजूद है। ऐसा माना जा रहा है कि इस तरीके के कैंप का बार बार आयोजन किया जाना चाहिए। इस बारे में यहाँ के जो नगर सेविका है फरजाना शाकिर शेख और उनके जो समाज सेवक शाकिर शेख से जानते हैं कि इस मौके पर उनका इस मेडिकल चेकअप को लेकर क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, हमारे आपके और हम सबके लाडले आमदार गृह निर्माण मंत्री डॉक्टर जितेंद्र रावत के सालगिरह के मौके पर हमने मेडिकल काम का इनेकाद किया है और इस मेडिकल कैंप में हमने आंखों की जांच, उसके साथ ही उनके लिए चश्मा और मोतियाबिंद का जो ऑपरेशन है ये सब हमने फ्री रखा है। और मेडिकल कैंप में हमने जो है ECG, शुगर, ब्लड प्रेशर, इन सारी चीज़ों का हमने भी चेकअप वगैरह रखा है, ये भी हमने फ्री में रखा हुआ है। और इसी के साथ देख सकते हैं कि सारे लोग यहाँ पर आए हैं और इस कैंप का जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो इस कैंप का फ़ायदा उठा रहे हैं। अब तक जो है तकरीबन जो है 100 से ज़्यादा लोगों का आँखों का टेस्ट हो चुका है और ब्लड प्रेशर, शुगर और डायबिटीज़ और ECG वगैरह के लिए भी, इसमें भी सब कुछ 100 से ज़्यादा कुछ लोगों ने जो है इसका इस कैंप का फ़ायदा उठाया है। और हर हम लोगों से ये अपील करना चाहते हैं इस कैंप का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। साथ ही साथ हम ये भी कहना चाहेंगे लोगों से कि ये जो हम इस तरह के प्रोग्राम आगे भी इंशाल्लाह ताला जो है हम इसका ऐसे प्रोग्रामों का और मेडिकल कैंप का इनेकाद आगे भी हम इस तरीके से जारी रखेंगे। इस तरीके के पेशेंट यहाँ पे ज़्यादातर आ रहे हैं? अभी जो ज़्यादातर जो पेशेंट जो यहाँ पर आए हैं आँखों की जाँच के जो पेशेंट हैं वो ज़्यादातर आए हैं, जिनको चश्मे की भी ज़्यादा ज़रूरत है और उसी के साथ साथ जो है शुगर और डायबिटीज़ और अपना ECG वगैरह के ये पेशेंट है, ये पेशेंट की तादाद ज़्यादा है। कोई अगर क्रिटिकल केस आता है तो उसके लिए क्या यहाँ पे सहूलत देंगे? देखिए, क्रिटिकल केस के लिए हमने जो यहाँ पर जो है वेदन हॉस्पिटल जो है ये इस तरफ से इन्होंने जो है अपना एक MBBS डॉक्टर रखा है, जो डॉक्टर अंदर जो है बैठ कर उनका चेकअप वगैरह करा, इसी को ज़रूरत पड़ती है तो वेदन हॉस्पिटल के लोग उन्होंने अपना डॉक्टर्स को या नर्सेस को यहाँ रखा है। अगर ऐसे भी कुछ पेशेंट आते हैं तो उनको जो है हम हॉस्पिटल में शिफ्टिंग करके उनका भी जो एंजियोप्लास्टी वगैरह का इलाज है इंशाल्लाह वो भी हम फ्री ऑफ कॉस्ट कराएंगे। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे गृह निर्माण मंत्री डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब के जन्मदिन पर हमारे जनसंघ कार्यालय पर उनके लिए एक कैंप रखा गया है। हमारे आनंद पंचमे साहब, सैयद अली भाई साहब, शमीम भाई साहब, शानू पठान साहब, इनके सबके सहयोग से हमने एक छोटा सा कैंप रखा है। इस कैंप में हमने आँखों का चेकअप रखा है, शुगर टेस्ट रखा है और डायबिटीज़ चेकअप है और बहुत से लोग इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। हम यही चाहते थे कि हम अवार्ड साहब के जन्मदिन के मौके पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए और इस कैंप का लाभ उठाएँ। इसमें और भी बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे ECG का टेस्ट है, एंजियोग्राफी है, एंजियोप्लास्टिक है, बाईपास सर्जरी का, किडनी स्टोन, ऐसे हमने बहुत से चीज़ों का कैंप रखा है और वेदांत हॉस्पिटल के ज़रिए हमने इस कैंप का आयोजन किया है। और बस मैं मुमरा कौसा की आवाम से यही अपील करना चाहती हूँ कि वो यहाँ पर आए और ज़्यादा से ज़्यादा आकर इस कैंप का लाभ उठाए। जिस तरीके से यहाँ पे भीड़ नज़र आ रही है तो और भी आगे भी भविष्य में इस तरीके के कैंप का आयोजन किया जाएगा? देखो, अल्हम्दुलिल्लाह जैसे ही हर साल हर 6 महीने में, हर 4 महीने में कैंप लगते हैं, ये हमारे कैंप कभी बंद नहीं होएंगे। इंशाल्लाह ये कैंप हमेशा आगे चालू रहेंगे। जज़ाक अल्लाह।